हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है रीसेलेक्शन अर्तुगरुल। इस सीरीज में आपको तकरीबन 5 सीजन देखने को मिलते हैं और उसमें कई ज्यादा एपिसोड है और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 45 से लेकर 48 मिनट्स के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे ये सीरीज टर्किश में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी पिछले 2 हफ्ते से ये आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जा रही, वो भी हिंदी और उर्दू दोनों ही लैंग्वेज में, तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं सीरीज की, तो इस सीरीज की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ओटोमैन अंपायर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर वो उस वीडियो को देख लेना, जहां पर मैंने ओटोमैन अंपायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। खैर, उस ओटोमैन अंपायर के जो फाउंडर थे उस्मान दी फर्स्ट, उनके फादर अर्तुगरुल गाजी के ऊपर ये पूरी सीरीज बनाई गई है। अब बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज की कहानी शुरू होती काय कबीले से, जिसके सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, जो कि एक दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ जा रहे होते, तभी उनको एक फैमिली नजर आती जो रोमन क्रूसेडर्स से बचकर भाग रही होती अपनी जान बचाकर। तो बिना कुछ सोचे समझे अर्तुगरुल उस फैमिली को तो बचा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन पर और उनके कबीले पर क्या मुसीबत आती है और किस तरीके से उसका सामना करते हैं, उसके बाद उन्होंने ऐसी क्या कुछ चीजें की जो इतिहास में दर्ज हो गई, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अभी तो इसके सिर्फ मैंने 13 ही एपिसोड देखे, लेकिन 13 एपिसोड देखने के बाद मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि गूज़बम्स आना गारंटीड है। और सबसे पहले गूज़बम्स आता इसका टाइटल ट्रैक सुनकर, जो कि हर एक एपिसोड के थ्रू आपको सुनने को मिलेगा। उसके अलावा इस सीरीज को काफी सिंपल रखा गया। अभी तक के 13 एपिसोड में तो आपको ना ही कोई बड़े बैटल सीन देखने मिले, ना ही कोई बड़े बड़े सेट डिजाइन देखने मिले, एकदम सिंपल है, लेकिन काफी रियलिस्टिक वे में यहाँ पर प्रेजेंट किया। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये शो नजर आएगा। इस शो की मैं अच्छी बात बोलूं तो यार, यहाँ पर जो एक्टर्स का परफॉर्मेंस है, सभी का परफॉर्मेंस, सभी अपने रोल में बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हो, सब लोग ने अच्छा काम भी किया। अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसका आगे चल के बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आपका सिर्फ एक ही फेवरेट कैरेक्टर बनता है, वो है अर्तुगरुल। मैं आपको इतना कह सकता कि आज के बाद जब भी आप अर्तुगरुल गाजी साहब का नाम सुनोगे तो आपके जहन में उसी एक्टर का चेहरा सामने आएगा, क्योंकि उसने इस रोल को इतना शानदार तरीके से निभाया। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से लेकर 13 एपिसोड तक जहां तक मैंने देखा, हर एक एपिसोड में आप उस एक्टर ने अपने आप में इस रोल को इतना शानदार तरीके से निभाया है कि मतलब यार मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सीरीज सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें इस्लामिक वॉरियर्स के बारे में बताया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शो उन सभी लोगों के लिए जो हिस्ट्री में जानकारी रखते हैं, जो कि हिस्टोरिकल चीजें देखना पसंद करते हैं। और ये टर्किश ड्रामा ऐसा ड्रामा है जो गेम ऑफ थ्रोन्स की आपको याद दिलाता है। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आपको ये गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इस तरह से प्रेजेंट किया कि मतलब आप लिटरली इसके फैन बन जाते हो। और ये सीरीज देखते हो मैंने एक चीज नोटिस किया, वो है एडिक्शन, यानी कि ऐसा नशा है इस शो में कि आप एक बार इसका एपिसोड फर्स्ट देखोगे तो उसके बाद इसके सारे एपिसोड आप लोग देख लोगे। ऑल्दो इसके सब एपिसोड वन टाइम में देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड है, हर दिन इसके आप 1-2 एपिसोड देख सकते हो, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार शुरू करोगे तो फिर इसके बाद आप इसके एडिक्ट हो जाओगे। उसके अलावा अगर इस सीरीज की नेगेटिविटी की बात करो तो देखिए, फिलहाल अभी मुझे कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी लगी नहीं, क्योंकि मैंने इसके सिर्फ 13 ही एपिसोड देखा। लेकिन हाँ, इतना आप लोगों से कह सकता है कि अगर आप मेरे रिव्यूज देखता पसंद करते, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू करता हूँ, मैं जेन्युइन रिव्यू करता हूँ, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग ये सीरीज देखोगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर आप इस सीरीज को देखो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लगेगा सीरीज। बस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशिश योग और आप सब आपके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। तो यार इस चैनल को सपोर्ट करो, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।